अयोध्या में एक बार फिर से कोहरे का कहर देखने को मिला। 3 दिन पहले अयोध्या बाईपास पर भीषण एक्सीडेंट हुआ था। आज फिर उसी कोहरे की वजह से उसी एक्सीडेंट की पुनरावृत्ति हुई है। लगभग 4 दर्जन से ज़्यादा छोटी बड़ी गाड़ियों का कोहरे के कारण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक कार सवार दंपत्ति बुरी तरीके से घायल हुए हैं। कार चला रहे व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बच्चे और पत्नी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आज तड़के सुबह अयोध्या के गोरखपुर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के नए पुल पर सुबह कोहरे की वजह से भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें एक एक करके लगभग 50 छोटे बड़े वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिससे मिलो लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन के माध्यम से हटाया और साथ ही दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अयोध्या के श्री राम अस्पताल में इलाज चल रहा है और जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। यहाँ पर एक सुबह ये विक्रम जो पड़ता है जनपद गोंडा में, वहाँ पर एक ट्रक अगर के जो है ना वो डिवाइडर से टकराया, वहाँ खड़ा उसके कारण जाम लग गया। जाम लगने के कारण कोहरा अधिक होने के कारण वो यहाँ तक जो सरयू पुल तक आ गया और यहाँ पर जो है ना एक जो आल्टो थी कार वो टकरा गई। उसमें से एक जो ड्राइवर था जो चला रहा था वो उसकी डेथ हो गई और उसकी पत्नी और बच्चे उनको सुरक्षित निकाल करके जिला अस्पताल भिजवाया गया और करीब 60-70 वाहन इस हाईवे पर जो है ना एक के पीछे एक जो है टकराते चले गए और कोहरे के कारण, और उनमें से एक ड्राइवर बुरी तरह फंसा हो तो उसको भी निकलवा कर अस्पताल भिजवाया गया। बाकी हल्की चोटें थी लोगों के और सब निकल करके अपने अपनी जगह पर चले गए हैं और इनके जो गाड़ियों के आवागमन रुका हुआ था उनको सब क्रेन मंगवा करके और उनको जो है ना निकलवाया गया और वाहन यातायात शुरू करा दिया गया है यहाँ।